ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर मुस्तफ़ा एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि आज का पूरा शूट होगा पूरा दिन भर, तो अभी बज रहा है 3:30 और अभी हम लोग को यहाँ का बहुत सारा शूट करना है। अभी जुलूस निकले नहीं है, 4 से 5 बजे निकलते हैं, तो अभी मैं फटाफट जाके रेडी हो जाता हूँ। और आज का प्लान ये है कि यहाँ पे गोवंडी में काफ़ी सारी जगह पर एक्सप्लोर करेंगे और जुलूस वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद बम्बई में काफ़ी सारे सेटअप होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सेटअप होता है वहाँ पे, और शायद से वहाँ पे कंपटीशन होता है कि किसने अच्छा डेकोरेशन किया है वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ जाकर बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं जाता हूँ, हो रहा है मुझे लेट, तो फटाफट लेट हो रहा है मुझे, तो फटाफट जाके मैं रेडी होता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर में। सरकार का मिलाद मनाने के लिए पैसे जमा किए हैं, इंशाल्लाह हम सरकार का मिलाद ज़रूर मनाएंगे, हर हाल में मनाएंगे। مرحبا 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 مصطفى مرحبا 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 مصطفى ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے تو बस रेडी हो गए सब लोग। ये है रेहान, आप लोगों को बोला था नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और ये तबरेज भाई। शाम का टाइम हो गया, जुलूस स्टार्ट हो गया निकलना, बस ऐसे ही थोड़ा आउटफिट दिखाने के लिए थोड़ा मैं दूर से चल के आया। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है अभी, तो अभी देखते हैं वहाँ पे जाके पूरा शूट करते हैं, गोवंडी में भी करेंगे और वहाँ से बम्बई भी जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ। मरते हैं सुन्नी मरते रहेंगे, अपने नबी की अजमत का चर्चा करते हैं सुन्नी करते रहेंगे। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा, सरकार की आमद पे लगा दे क्यों पैसा, रुपया पैसा। ये सिर्फ मिलाद पर ही पैसे की बात क्यों आ जाती है? ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। सरकार आए मेरे दिलदार आए, मेरे नबी आ गए, यार नबी आ गए, लजपाल नबी आ गए, हम खार नबी आ गए, साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल भी थे और आज नबी, दो जहां के राज वाले मेरे नबी। बम्बई में जो बहुत सारे सेटअप लगते हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी होता है कि किसका एकदम अच्छा सेटअप बना है, किसका एकदम अच्छा डेकोरेशन हुआ है, वहाँ पे उन लोगों को प्राइज़ वगैरह भी मिलता है। तो अभी थोड़ा सा वीडियो देख लो यहाँ का, फिर निकलते हैं वहाँ पे भी। बढ़ते दुरूद सबको मिला दी बनाएंगे, लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर, लादीनियत के सारे बुतों को गिराएंगे, अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। तकलीफ होती है तुझे मिर्चे भी लगती है, तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है, जब बारहवीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है, तकलीफ होती है तुझे मिर्चे भी लगती है।
बारहवीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है, क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारें। तो आप लोगों से बात करने बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत रश है और इतनी आवाज़ आ रही है, इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा दूसरा रोड से जा रहे हैं और अभी बम्बई भी जाने का है, तो देखते हैं वहाँ का वीडियो कैसा बनता है। सार तेरी चहल पहल चल हजारों ईदे रबी उलम बनी सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लालच न दो हम नाम मोहम्मद पे मरेंगे, मीलाद पे समझौता किया है न करेंगे। लालच न दो हम नाम मोहम्मद पे मरेंगे, मीलाद पे समझौता किया है न करेंगे। बर्दाश्त ना करेंगे जुलूसों पे रुकावा, मीलाद मोहम्मद कमीशन जारी रखेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। तेरा गवा मैं तेरे गीत गवा, तेरा गवा मैं तेरे गीत गवा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा मनावा मनावा। या रसूल अल्लाह तालीम पहले दूंगा मोहम्मद के जश्न की, तहजीब सिखाऊंगा मोहम्मद के जश्न की, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन, फिर से मैं छोड़ जाऊंगा मीलाद की लगन। मेरे भी बच्चे जश्न मीलादस मनाएंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। ओके सो राइट नाउ वी आर एट ऑटो, सो अभी ये है साहिल और साहिल और दो जन और हैं, मेरा भाई एक है समीर और एक इशाक करके वो है, तो अभी हम लोग चार लोग जा रहे हैं, तो वहाँ का वीडियो देखते कैसा बनता है। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा बहुत रश था और काफ़ी सारे सेट वगैरह दिखाया मैंने, और बाकी का वहाँ पे मुझे लग रहा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो शायद इसको भी मैंने दो पार्ट में और डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा बनता है।